एंड पैरा मेडिकल कॉलेज के बिना मान्यता के छात्रों का प्रवेश लेकर करोड़ों कमाने वाले गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त डॉक्टर अभिषेक का राज नर्सिंग होम सहित कुल 100 करोड़ की संपत्ति को कोतवाली पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर किया कुर्क, की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री के सचिव संजय प्रसाद ने प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ की बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बीआईडी के दर्द से बावस्ता थे सीएम योगी, किया मुकम्मल इलाज। मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में अपने जुड़ाव का रजत जयंती समारोह भी मनाएंगे मुख्यमंत्री। 5.5 साल में चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में भरोसा का बड़ा केंद्र बना है बीआईडी मेडिकल कॉलेज। अभियोजन वीरों के सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। एडीजी जोन ने सभी अभियोजन वीरों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। कहा, एक वर्ष में 100 अपराधियों को गोरखपुर पुलिस ने दिलवाया उम्र कैद की सजा। पूर्वोत्तर रेलवे सतर्कता संगठन जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत भ्रष्टाचार मुक्त भारत और विकसित भारत सतर्कता विषयक सेमिनार का किया गया आयोजन। कहा, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए करना होगा भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में नगर निगम के 80 वार्डों के अधिकारी और सुपरवाइजरों की बैठक हुई संपन्न। कहा, 7 नवंबर तक नगर निगम निर्वाचन नामावली की प्राप्त की जाएगी, दावे और आपत्तियां। फर्जी तरीके से जमीन का बैनामा करने वाले भू माफिया अवधेश निषाद को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और 4 नवंबर से 10 नवंबर तक 66वें अखिल भारतीय रेलवे पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप का नरसा के अध्यक्ष योगेश मोहन ने किया शुभारंभ। कहा, रेलवे बोर्ड सहित जोनल रेलवे की कुल 19 टीमें कर रही हैं चैंपियनशिप में प्रतिभाग।